ट्रॉली के अंदर हम लोग एक्सट्रूड वगैरह देखा, राइट, ब्रिज देखा, एक्सट्रूड देखा, देन सेगमेंट मुझे चाहिए तो मैं कैसे सेगमेंट ऐड कर सकता हूँ, देन चैम्फर एक टॉपिक है वो देखा हूँ, अटैच डिटैच वॉच कवर करते हैं, कट क्या होता है, देन पुल पुश ठीक करके आता है वो एक हम लोग आज कवर करेंगे, इसके अंदर है। हाँ ब्रिज हो गया ना, ब्रिज हो गया अपना, कट बाकी है, डेटा जो तो हो जाएगा, कुछ नाम की एक चीज है वो देखते हैं, ठीक है। कन्वर्ट कर दिया, कैसे कन्वर्ट किया मैंने, राइट क्लिक कन्वर्ट टू पॉली, ओके। समझो आपने पीस पीस में कोई ऑब्जेक्ट बनाया, समझो टेबल बनाया आपने एक, वो पीस पीस में, पीस पीस में बनाया, ठीक है। तो आपको वो समझो एक ही बनाना है, ऑब्जेक्ट एक ही बनाने का, तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर दो पॉली में, राइट, और उसको अटैच करना है। समझो मेरे पास यहाँ पे 3 4 बॉक्स ऑलरेडी पड़े, ठीक है। इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया पॉली में, राइट क्लिक, यहाँ से भी आप कर सकते हो अटैच, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो। दिस अभी मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, ये बॉक्स के अंदर जा रहा हूँ, क्यों क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कौन से ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, इसको अटैच करना है। तो अपने पास लिस्ट ओपन होगी, आपको जो ऑब्जेक्ट को अटैच करना है उसका नाम आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं फर्स्ट लेक्चर से बोल रहा हूँ, नेमिंग का, नेमिंग प्रॉपरली होना चाहिए। तो मैं समझो बॉक्स 3 को अटैच कर रहा हूँ, तो ये बॉक्स 3 था, या फिर आप डायरेक्टली सबको अटैच करना है तो राइट क्लिक अटैच, ये क्या होगा, आपको मैनुअली एक एक जन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। समझो सीन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बनाया आपने, एक बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स बनाया और सब बिल्डिंग आपने को अटैच चाहिए, तो कैसे होएगा, तो आप एक 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 विंडो फिर वॉल्स ये सब कैसे अटैच कर रहे हो, राइट, सीधा बॉक्स के अंदर जाओ, सिलेक्ट ऑल अटैच, ब्रेक करना है तो आपको पॉलीगन में जाना, एलिमेंट में जाना पड़ेगा, क्योंकि अपने को होल एलिमेंट बाहर निकालना है उसमें से, अगर आपको समझो पॉली निकालना है इसमें से कुछ फेसेस ही निकालना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मल्टीपल सिलेक्शन के लिए आपको कंट्रोल दबाना है और डी सिलेक्ट के लिए आपको अल्ट दबाना है, जैसे पहले इसमें भी था, ऑब्जेक्ट ज़्यादा सिलेक्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल से कर देते हैं, डी सिलेक्ट करने के लिए अल्ट से करते, सेम फंडा यहाँ पे ही है, अल्ट से डी सिलेक्ट, कंट्रोल से सिलेक्ट, और आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे बोलोगे डिटैच, ठीक है। सेगमेंट डाले थे हम लोग ने, सेगमेंट के लिए क्या क्या ऑप्शन यूज किया था मैंने, सेलेक्ट एज, और मैंने यहाँ पे कट का नाम के ये कनेक्ट जो था वो मैंने यूज किया था, राइट, ये मैं एक यहाँ पे ऐड करता हूँ, और दूसरा चीज मैं ऐसे कुछ ऐड करता हूँ, ट्रैक सिलेक्शन कर रहा हूँ, ऊपर से नीचे तक जितने भी रहेंगे सेगमेंट्स या एजेस वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, कनेक्ट, यहाँ पे एक ऐड चाहिए, अपने को चाहिए ये वाला ऑप्शन, यस यस बोलो, यस यस हाँ यस हाँ हाँ बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रहा आपको, ओके ओके, थोड़ा लाउडली बोलो। अभी अब मुझे क्या करना है, मैंने सेगमेंट यहाँ पे डाला ऑलरेडी, एक एक दूसरा डाला है, ये क्या काम करता है, ये जो कट होता है ना, आपको कोई भी एज के बीच में काम करता है, समझ रहे, मतलब समझो मैं पॉलीगॉन समझ के बोलता हूँ, ये पॉलीगॉन है अपना, सॉरी सॉरी सॉरी,
ये अपना पॉलीगन था, ठीक है, ये पॉलीगन है मेरा, ये थोड़ा ग्राफिक्स इशू है, ये जो दिख रहा है ना लाइन आपको, ये ग्राफिक की वजह से, देखो ग्राफिक्स इशू है वो। हाँ, पॉलीगन को हम लोग को स्प्लिट करना है, अलग अलग करना है। तो एक तो मैंने एज से कर दिया था, पर मुझे आड़ा टेढ़ा समझा रहेगा कुछ, कर्व शेप है और उसमें बीच में मुझे एक सेगमेंट की जरूरत है या लाइन एज की जरूरत है, तो मैं ये वाला टूल यूज करूंगा। देखो ये टूल अपने को ऐसा दिखता है बॉक्स, जैसे मैं एज के पास जाता हूँ आइकॉन चेंज हो गया, आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है, जो कनेक्ट था वो डायरेक्टली लाइन को कनेक्ट कर रहा था, ये आप कैसे भी कहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो, ये मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। बट एक रूल होता है जो लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे कि एज जो है कनेक्ट होनी चाहिए, बीच में ऐसा यहाँ पे नहीं होना चाहिए, पॉली का एक रूल है। वो जब एनिमेशन होता है तभी ऑब्जेक्ट मैंने बताया था कि फट जाता है वो, इसके वजह से वो ऐसा रूल है कि वो कनेक्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक कट डाल रहा हूँ, और ये मैंने अभी आपको पूछ रहा है नेक्स्ट कहाँ पे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं राइट क्लिक करके छोड़ दूँ, ठीक है। अभी देखो क्या हो गया कि एक एज यहाँ पे अलग से इंडिविजुअल क्रिएट है, जो किसको कनेक्ट नहीं है, खाली ये दो लाइन को कनेक्ट है, बराबर है। ठीक है, समझ में आया है, कंफ्यूजन है आपको, कोई कंफ्यूजन है आपको, कुछ कंफ्यूजन है? आवाज आ रही मेरी? हाँ, कोई डाउट है अभी? ओके, इतना समझा। अभी हम लोग एक थोड़ा बेसिक मॉडलिंग जो होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे पुल पुश करके एक ऑप्शन है, वो हम लोग ये अभी जो मैं करंट टॉपिक है इसके बाद में लूंगा, फिलहाल ये सब डिलीट मार देता हूँ। देखो बेडशीट डिजाइन करना है, समझो बेड बनाया आपने, पिलो तो मैंने दिखाया था आपको, तो हम लोग कैसे करेंगे, पॉली से बनाएंगे हम लोग उसको। मैं फिलहाल चैम्फर बॉक्स ले रहा हूँ, फॉर ठीक है, ये अपना गद्दा है, हम लोग ऐसे पकड़ के चलते हैं, समझो मुझे चद्दर बनाना, तो मैं क्या कौन सा बेसिक ऑब्जेक्ट लूंगा, क्या लूं मैं, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव यूज करूं, एक्सटेंडेड यूज करूं, क्या ले सकता हूं, एनी गेस? मैं स्टार्ट किससे करूं, स्पीयर लू, बॉक्स ले लू, कौन इस्तेमाल करूँ, या फिर एक्सटेंडेड में क्या है अपने पास, चैम्फर ऑब्जेक्ट लू, ये बॉक्स, और एल टाइप लू, एल एक्सटेंडेड, सी एक्सटेंडेड, रिंग वेव, क्या यूज कर सकते हैं, एनीवन? आपको क्या लगता, थर्ड ईयर आपको? हाँ, वेव्स, पर मैं ऑब्जेक्ट किसके ऊपर डालू, ये तो अपना बेस है नीचे का, ये गद्दा बन गया अपना, क्या किससे स्टार्ट करेंगे, बॉक्स से? रेक्टेंगल बॉक्स, ठीक है, मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है, प्लेन का इस्तेमाल करते हैं। आपको आवाज आ रही मेरी? उन्हें आवाज आ रहा है आपको? यस यस, ओके। हाँ, मैं यहाँ पे प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ, फिलहाल प्लेन लिया मैंने,
इतना ही ले रहा हूँ फिलहाल। सेगमेंट जो है मुझे लगता है बाय डिफॉल्ट इतने ठीक है, चाहे तो मैं ऐड कर सकता हूँ बाद में भी। अभी लगता है कि नहीं जरूरत रहेगी, बट मैं ज्यादा सेगमेंट लूंगा तो मुझे उसको मेंटेन करने में थोड़ा तकलीफ हो सकता है। मेंटेन मतलब जब मैं इसको कुछ कन्वर्जन करूंगा, कन्वर्ट पॉली, फिर देन उसके ऊपर जो भी मॉडिफिकेशन हम लोग करेंगे, ज्यादा सेगमेंट रहेंगे तो आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। इसलिए बेसिक लेते हैं, जितना बेसिक रिक्वायरमेंट आपको लगता है कि हाँ है। ये कब होगा आपको मालूम? आप जब प्रैक्टिस करोगे ज्यादा तब समझ में आता है। मैं फिलहाल इसको टॉप में लेकर आऊँ यहाँ पे। ओके, इसको डायरेक्टली मैंने कन्वर्ट कर दिया पॉली के अंदर। ओके, एज में जाते हैं, एज, और हम लोग लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। डायरेक्टली मुझे ये पूरा का पूरा सेलेक्ट करना था, यहाँ पे नहीं। आप ड्रैग करके भी आपको लगता है कि है, आप कर सकते हो, नो इशू। अभी क्या करना है, इसको एक्सट्रूड नहीं देंगे हम लोग। सरफेस प्लेन है, पॉलीगॉन नहीं है, नॉर्मल एज है। देखो एक्सट्रूड डाल के क्या होता है, ऐसे कुछ हो रहा है बराबर। अपने को एज एक्सट्रूड नहीं करना, अपने को क्या करना था, नॉर्मल शिफ्ट दबाओ। शिफ्ट से क्या होता है, कॉपी होता है बराबर। एज से मैं अगर मैं कॉपी करने जाता हूँ तो मुझे ऐसा कुछ मिलेगा। आपका सेगमेंट यहाँ पे जो था लास्ट वाला, वो वैसे कि वहाँ पे ही ज़्यादा सरफेस और एक्सटेंड हो गया बराबर है। मैं फिलहाल इसको यहाँ पे रख रहा हूँ। क्यों रख रहा हूँ देखते हैं। फ्रंट में जाते हैं, कहाँ पे है मेरा ये एज, ये इधर किधर है, मतलब मैं गलत डायरेक्शन में था। ये मुझे चाहिए लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट में ये मेरा यहाँ पे कॉर्नर पोर्शन मेरा यहाँ पे बराबर, समझ में आ रहा आपको? फ्रंट एलिवेशन साइड एलिवेशन वैसा ही है। शिफ्ट से अगर कॉपी, मैं थोड़ा स्पेस रख रहा हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रहा हूँ, ज़्यादा जो एक्सटेंड नहीं दे रहा हूँ। फिर मैं थोड़ा सा इसको ये डायरेक्शन में थोड़ा नीचे लेते। ओके, देन आप ऐसे भी कर सकते हो। एक थोड़ा सा बेसिक रैंडम होना चाहिए, तो रैंडमनेस में ला रहा हूँ। ओके, ये मेरा ऐसा कुछ बनाया। ओके, यहाँ पे सेगमेंट्स मैंने ये नजदीक नजदीक क्यों रखे हैं, स्मूथनेस के लिए। ज्यादा स्मूथनेस जहाँ पे होगा, कर्व पोर्शन वहाँ, यहाँ पे कर्व होने वाला है वो, इसके वजह से मैंने यहाँ पे सेगमेंट्स ज्यादा ज्यादा नजदीक रखे। देखो अभी समझो इसके ऊपर मैं एक मॉडिफाई डालूंगा, या फिर मैं इसको थोड़ा प्रीव्यू देखना है मुझे कि स्मूथ में कैसे देखेगा। तो यहाँ पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे देखो ये ऑप्शन है ऊपर लास्ट वाला, नम स्ट्रगल करके, ठीक है। ये नम स्ट्रगल आपको बहुत यूज होगा। देखो क्या मैंने स्मूथ दे दिया इसको, ये अपना स्मूथनेस ऐसा दिखता है। पॉली के अंदर में से बाहर आ गया, ये मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। अपने को ये लास्ट में ये वाला ऑप्शन यूज नहीं करना है, अपने को एक मॉडिफाई यूज करना है जिसका नाम है टर्बो स्मूथ। ये वाला टर्बो स्मूथ। टर्बो स्मूथ क्यों डालना है? टर्बो स्मूथ आपके ऑब्जेक्ट के अंदर एडिशनल सेगमेंट खुद देता है। आप इसको यहाँ पे देखोगे तो इसका लिखा है ये इंटरपोलेशंस। हम लोगों ने स्प्लाइन में देखा था इंटरपोलेशन क्या काम करता है, सेम फंडा यहाँ पे इंटरपोलेशन वन है। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो और ज्यादा सेगमेंट ऐड होंगे, आपका स्मूथनेस बढ़ते जाएगा। बट यहाँ पे आप ज्यादा सेगमेंट डालोगे, सीन भी उतना लैग करना चालू करेगा। आपका लैपटॉप या सिस्टम ना हेवी उठाएगा नहीं उठाएगा आपके ऊपर है, आपका क्या सिस्टम है, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर ये मॉडिफाई डिलीट कर रहा हूँ। राइट क्लिक, नम स्ट्रगल में ऑफ कर रहा हूँ फिलहाल। ये हम लोग यहाँ पे ऐसे ही बराबर है। बाकी का ये पोर्शन अपोजिट वाला बाद में करते हैं, पहले ये हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। नम स्ट्रगल, जब मैं नम स्ट्रगल के अंदर इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ स्मूथ में ही, तो अपने को आइडिया आता है कि ऑब्जेक्ट क्या हो रहा। वेरिएशन होना चाहिए इसके अंदर बराबर ना। चादर जब डालते तो कोई एकदम स्ट्रेट नहीं रखते, एकदम फाइव स्टार होटल में रखते हैं वैसा नहीं रहता ना, आड़ा टेढ़ा रहता है। घर का रेसिडेंस है तो आड़ा टेढ़ा करना है। अगर आपको लगता है नहीं मुझे एकदम स्ट्रेट ही रखना है, आप स्ट्रेट रखो, आपके ऊपर है। आपका प्रेजेंटेशन कैसा है आपको दिखाना है।
प्रेजेंटेशन आपके ऊपर है, मैं से कुछ स्पेसिफिकेशन बोलने था, यहाँ ये बाहर निकालो वो अंदर निकालो, आपके ऊपर है, या फिर रेडीमेड आपको ये सब ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, एक बेड के साथ पूरा सब आता है, पिलोज और ये ब्लैंकेट्स वगैरह सब ऑलरेडी मिलता है अपने को ब्लॉक्स में, वो बनाने की जरूरत नहीं। बट आपको समझो कुछ एडिटिंग करना है उसके अंदर ही, या फिर आपको खुद का बनाना है, या इसका आइडिया आपको होना चाहिए कि पॉली कैसे काम करता है। ठीक है, थोड़ा बीच वाला एरिया हम लोग कवर करते हैं। ओके, इसके ऊपर टर्बोस मोड डाल के देखते हैं एक बार क्या है। लगभग आपको सब कुछ दिखेगा, देन इसके ऊपर जो भी फैब्रिक रहेगा वो मटेरियल हम लोग एक्सटेंड करेंगे बाद में क्या है। थिकनेस हम लोग थिकनेस डायरेक्टली इसको शेल मॉडिफाई डाल के भी दे सकते थे, या फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे थिकनेस में भी थोड़ा काम करना चाहिए, तो आप ऐसा देखिए इसके ऊपर अगेन चैम्फर मॉडिफाई करके देखते हैं। चैम्फर मॉडिफाई काम कर रहा है, बट ये देखो ये इसमें थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, सेगमेंट भी डाल के भी कुछ, तो अपने को डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो, सेल दे दिया, कन्वर्ट टू पॉली कर दिया, टर्बो स्मूथ निकालना चाहिए था मुझे, फिर सेल मॉडिफाई, देन अपने को जो अगेन कन्वर्ट टू पॉली करना है वो भी कर सकते थे। अगर आपको लगता है कि नहीं समझो मैंने डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर दिया और मुझे बाद में कुछ एडिटिंग या करना चाहिए था, या फिर मेरे से छूट गया समझो, तो क्या करो आप डायरेक्टली कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर डायरेक्टली कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली मत करना। बेसिक मैंने एक बार बनाया स्ट्रक्चर, अभी मुझे लगता है कि इसके अंदर पॉली में कुछ काम करना है, पॉली में ही करना है, बट मुझे वो कन्वर्ट नहीं करना है, तो आपके अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन है ये वाला एडिट पॉली करके, सेम फंडा जो पॉली के अंदर है वही फंडा इसके अंदर ही है, बट क्या होता है जब मैं इसको अंदर एडिटिंग करना हो, जो मैंने यहाँ पे एडिटिंग कर दिया कुछ, ओके और मैंने इसके अंदर दिया दिया चैम्फर, सेगमेंट्स पुट करते हैं थोड़ा स्मूथनेस बढ़ाने के लिए, चैम्फर अमाउंट भी थोड़ा हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। ओके इतना मुझे लगता है कि ठीक है। ये मॉडिफिकेशन मैंने एक्स्ट्रा डालने से क्या होगा, मुझे लगता है कि समझो मैंने यहाँ पे बना दिया, बट बाद में आपको लगता है कि नहीं ये कुछ ज्यादा हो गया या फिर कम हो गया, हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हो ये मॉडिफिकेशन डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो। आप इसके अंदर कितने भी सारे और एडिटेबल पॉली, और एक एडिटेबल पॉली याद होना चाहिए कितना डाला है, फिर डालते रहोगे, मैंने दो डाले एक्स्ट्रा बराबर, ये एडिटेबल पॉली, एडिटेबल पॉली से आप आपके ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्जन ला सकते हो। क्लियर, थिकनेस आ गया सब कुछ है, लास्ट में आपको डालना है जो मैं डाला था टर्बो स्मूथ, दूसरा एक ऑप्शन होता है स्मूथ नाम का,
स्मूथ, बट ये कहां पे काम होगा मालूम है? एडिटेबल मेश करके एक ऑप्शन है इसके अंदर, राइट क्लिक, हम लोग देखे थे पॉली, लास्ट में है मेश। जब मैक्स बना था ना, तभी सबसे पहले बना था पैच, फिर आ गया मेश, फिर आ गया पॉली, अभी जो चल रहा है करंट पॉली चल रहा है, सब जगह पॉली होता है। कभी कभी आपके कुछ मेश में भी दिखेंगे ऑब्जेक्ट्स, मेश भी अच्छा है, मेश ऐसा कुछ नहीं, मेश भी अच्छा है, मेश में ऐसा दिखता है ऑब्जेक्ट्स ये सब ऐसे, इसको कॉर्ड्स बोलते हैं, पहले यूज करते थे कॉर्ड्स, पर जैसे एनिमेशन चालू हो गया ना, फिर वो एनिमेशन में ये फट रहे थे ऐसे वो, अब देख मैं बोला ना गेम देखो, गेम में फटता है जल्दी, ये लाइट वेट होता है बट थोड़ा अलग चीज है, तो इस उसके लिए ये बनाया था स्मूथ, पॉली के लिए बनाया टर्बो स्मूथ। आप काउंट डालोगे स्मूथ होएगा, जैसे आपको चाहिए ये 1 2 3 नंबर्स डालो, जैसे टर्बो स्मूथ में था इंटरपोलेशंस, मैं बढ़ा रहा था 1 2 3, तो वैसे ज्यादा सेगमेंट ऐड 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 होते थे और ऑब्जेक्ट स्मूथ होते जा रहे हैं, बट पॉली में इसमें सबसे स्ट्रांग है टर्बो स्मूथ। आप भी, आपके ऊपर डिपेंड है आपको क्या चाहिए, टर्बो स्मूथ आपका ऑब्जेक्ट्स बराबर है, सेगमेंट्स आपको और चाहिए एक्स्ट्रा आप डालो, ज़्यादा स्मूथ होगा और चाहिए और ज़्यादा स्मूथ होगा, बट अनवांटेड ज़्यादा मत डालते बैठना, मुझे और स्मूथ चाहिए और स्मूथ चाहिए, आपने बेसिक ही आपका जो बेसिक सेगमेंट की जितनी जरूरत थी उतने आपने नहीं डाले, वन हमेशा होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स टू होना चाहिए, जरूरत होगी तो मैं अपना काम अच्छा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, ये अभी ये देखो बराबर है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको, आपको भाई तुझे समझा ना, कुछ डाउट है पूछ लो अभी, नहीं ये प्लेन है, इसके अंदर सेगमेंट डालते हैं, सेगमेंट मुझे यहाँ पे ज्यादा चाहिए, अभी अपने को यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, पुल पुश करके एक ऑप्शन है, मैं देख रहा हूँ पेंट मॉडिफिकेशन, हाँ यस ये, इससे क्या करना है आपको, समझो आपको एक कंटूर समझते हो, कंटूर आवाज का मटन नहीं बोलना, कंटूर कंटूर मतलब आर्किटेक्चर लैंग्वेज है, थोड़ा जमीन रहती है ना ऐसे आड़ी टेढ़ी आड़ी, देखा रहेगा लैंडस्केप में ज्यादा यूज होता है, हाँ ऐसा कुछ बनाना है समझो, या फिर आप स्टोन बना रहे हो, स्टोन के सही देखोगे आड़ा टेढ़ा ऐसा, ये पीस में जो एक ही स्टोन पकड़ते हैं, इसके अंदर रफनेस है, ऐसा वेरिएशन ज्यादा है, कोई अंदर है थोड़ा बाहर है, ऐसा कुछ बनाना है समझो मुझे, ये देखो ठीक है, यहाँ पे वैल्यू दिया जाता है, ये वैल्यू आपको कितना रखना है, ब्रश साइज कितना रखने का, ये सब यहाँ पे इसके अंदर मेंशन है, तो अभी मुझे लगता है कि ये इसका पुल पुश वैल्यू ना बहुत ज्यादा हो गया है, इसको कम कर रहा हूँ, और ब्रश साइज थोड़ा, यस दिस टॉपिक ना, यस पुल पुश टॉपिक, सर कैन यू रिपीट इट अगेन? या
देखो क्या किया था मैंने, मैंने यस सबसे सर, पहले एक प्लेन ड्रॉ किया, ओके, ऐसा मैंने एक प्लेन ड्रॉ किया था, बराबर है। फिर इसको मैंने कर दिया कन्वर्ट टू पॉली, और यहाँ पे मेरा एक ऑप्शन था लास्ट में पेंट, इसके अंदर ये ऑप्शन है पुल पुश। साइज आपको जो भी चाहिए वो हिसाब से आप रखोगे, मुझे लगता है ब्रश साइज बहुत ज्यादा हो गया, समझो मुझे डिटेल में काम करना है, स्टोन जैसा काम करना है, रफनेस लाना है, तो मुझे ये ब्रश साइज बहुत छोटा रखना पड़ेगा, लगभग मैं कुछ 2-3 ही रखना चाहता हूँ ऐसा, या फिर थोड़ा और ज्यादा बड़ा। यस, और अभी भी प्रेशर ज्यादा है क्योंकि वो बाहर आ रहा है, उसका एरिया भी बहुत ज्यादा हो रहा। कुछ नहीं, पेंट करना है आपको, जस्ट रैंडम आपको जैसा चाहिए वो हिसाब से आप पेंट करो। अभी थोड़ा प्रेशर और ज्यादा बढ़ा देते हैं, थोड़ा बीच बीच में और थोड़ा पोर्शन कुछ ज्यादा बाहर रहेगा। और थोड़ा प्रेशर बढ़ाते, ओके समझो ये आपका बल्ब हो गया, इसके अंदर आप डालो। फिर इसके ऊपर आपको जो भी टेक्सचर चाहिए, समझो मुझे यहाँ पे चाहिए, मैं एक 1 मिनट टेक्सचर ढूंढ रहा हूँ, देन आपको थोड़ा आइडिया आएगा। प्रिंटरेस्ट से आपको अच्छे अच्छे टेक्सचर्स मिलते हैं, आप वो भी ले लो। आप डायरेक्टली समझो मैं स्टोन टेक्सचर बोलूंगा या फिर कॉन्क्रीट बोलूंगा, स्टोन चाहिए आपने को। से कुछ रहेगा रफनेस, इसके अंदर ऑलरेडी रफनेस है बट अपना भी ऑब्जेक्ट वैसा होना चाहिए, नहीं तो क्या लगेगा, वॉलपेपर लगेगा। इसके लिए हम लोगों ने वो वेरिएशन लाया, तो जैसा रैंडम जैसा चाहिए मुझे, कुछ लगभग ऐसा चाहिए। हाँ बोलता आवर्चा, हाँ ठीक ये लेते हैं उसकी कर, बट ये थोड़ा ओके ठीक है। टेक्सचर्स में फिलहाल अभी मैं डाल रहा हूँ, आपको बाद में ये से मैं सब सिखाऊंगा कि मैं क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था। यही है, ओके ठीक है, ये आ गया। इसके अंदर और ज्यादा ये क्या बोलते हैं, रफनेस ऑलरेडी इसके अंदर बहुत ज्यादा है, तो अपना रफनेस समझ में नहीं आ रहा है, ये देखो इस समय। डर
और इसका प्रॉपर मैपिंग करना पड़ेगा, बहुत कुछ है ये, मैं प्रॉपर मैपिंग भी नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, बट आपको फील चाहिए तो देखो, ऐसा लग रहा है ना स्टोन का सरफेस है, और उसके अंदर हम लोग देख रहे हैं वहां से, मटेरियल वगैरह सब हम लोग देखेंगे अलग से। ये पॉली का जो अभी मैंने फंडा बताया था, ये वाला फंडा आप यूज करके कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, तो जो बनाना है, मोबाइल, बॉटल, कार, बाइक, एक आदमी, एक एनिमल, कुछ भी बना सकते हो, और एक दुनिया के ऐसे कोई ऑब्जेक्ट नहीं जो इसके अंदर नहीं बना सकते, पॉली के अंदर सब होता है, बट आपका दिमाग वैसा काम करना चाहिए कि मुझे बेसिक ऑब्जेक्ट में कौन सा लूँ, फिर उसको कैसे मॉडिफिकेशन करूँ, है ना, तो आपको उतना याद होना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, समझा पॉली में, ये टॉपिक समझा बराबर। अगर आपको कुछ पॉली में कुछ अलग से थोड़ा देखने का है, मतलब क्या बना के देखो ऐसा कुछ, बना सकते हैं बहुत कुछ बना सकते हैं, बट टाइम, अभी ये मैं इसको ना और ज्यादा अच्छा प्रेजेंट कर सकता हूँ, और इससे और थोड़ा अच्छा बेटर मैं बना सकता हूँ इसको, बट उतना टाइम मुझे देना पड़ेगा, मुझे उतना बैठना पड़ेगा उसको। चेस्टर सोफा, चेस्टर सोफा बोलते हैं उसको, हाँ चेस्टर सोफा का टॉपिक मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाला हूँ, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और उसमें ज्यादा ज्यादा टाइम चाहिए उसके लिए, मैं एक बेसिक बना के दिखाऊंगा चेस्टर कैसे बनता है। समझे ना, और कुछ इसको थोड़ा आप कैसे बेटर करोगे, आपको क्या लगता है मैं इसको कैसे बेटर कर सकता था, समझो ये सब डिल्ड मारता, टर्बो स्मूथ, पॉली, ये भी नहीं चाहिए मुझे, तो मैं और एज को ये समझो, मैं ये वाला एरिया थोड़ा भी कवर करता हूँ, सॉरी सॉरी, थोड़ा फोल्ड करते ना फोल्ड, वो बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे ऐसा फोल्ड रहेगा आपका, देखते फ्रंट में काम हो रहा है क्या, नहीं समझ लिया, यहाँ पे थोड़ा अपने को एडिटिंग करना पड़ेगा, ये यहाँ पे क्या हो गया, ये इसके अंदर जा रहा है, तो उसको थोड़ा बाहर निकालना पड़ेगा, ओके एज, देन आपको कैसा चाहिए यहाँ पे ये वाला पोर्शन, आप डायरेक्टली स्केल करो चाहे तो इसको, तो फिर स्केल नहीं हो रहा है, मतलब तो स्केल हो रहा है बट गलत डायरेक्शन में जा रहा है वो, इसके लिए मैं थोड़ा एक्सटेंड करके ही करना पड़ेगा अपने, ओके समझा क्या किया मैंने, एक फोल्ड ऐसा बना के लिया, समझा कि वैसा वो चद्दर प्रॉपर था, जब मैं इसको फोल्ड कर रहा था ना तो देखो ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, क्यों दिख रहा था, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा था, जब मैं सब उसको पहले बेंड किया था ना ऐसे, जब स्टार्टअप कर रहा था तभी, तब उसको ब्लैक दिख रहा था, वो रीजन था कि ये वर्ल्ड के थोड़ा हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं,
दूसरी दुनिया में थे इसके वजह से। वो हो सकता है जब हम लोग लाइट करेंगे, प्रॉपर लाइट डालेंगे इसके अंदर, तो वो होता है, लिमिट हो जाएगा। ओके समझा। अभी कुछ डाउट आओ और कुछ बनाना है। चेस्टर्स ऑफ नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करता हूँ। तेरा भी पॉली के लिए बचा अपना वो एक ही टॉपिक है, फर्नीचर वगैरह थोड़ा बहुत आप पॉली में बना सकते हो, बना सकेंगे। कौन सा? नॉर्मल हम लोग इसे जो एफएफडी डाल के पहले बेसिक वही बनाएंगे। रहता है चेस्टेड सोफा, तो आप लोगों को चेस्टेड के लिए वो करना पड़ेगा। चाहे तो बेसिक स्टार्ट करना है तो अपने को चेस्टेड में थोड़ा वो चालू करो क्या, फिर वही हिसाब से बेसिक, जस्ट नॉर्मल बेसिक चालू करते हैं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि अपने पास अभी टाइम बहुत है। तो मैं फिलहाल बेसिक चालू करता हूँ। अपने पास अपने को लेना पड़ेगा सबसे पहले सिलेंडर, और सिलेंडर में अपने को साइड्स ज़्यादा नहीं लेने चाहिए, बहुत साइड होते हैं अपने पास। मैं एक बेसिक साइड्स ले रहा हूँ, और मुझे यहाँ पे लगेंगे कैप सेगमेंट्स, बराबर कैप सेगमेंट की मुझे ज़रूरत होगी, इसीलिए मैं कैप सेगमेंट ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। ऐसा कुछ दिखता है। हाइट सेगमेंट्स की मुझे ज़रूरत नहीं लगेगी, तो मैं हाइट सेगमेंट्स जीरो, कुछ नहीं चाहिए मुझे। इसका थिकनेस फिलहाल ऐसा अपने दिख रहा होगा सॉलिड, ठीक है वो चलेगा, कोई इशू नहीं है। मैं क्या करता हूँ अभी, इसको डायरेक्टली हम लोग करेंगे कन्वर्ट टू पॉली, राइट क्लिक कन्वर्ट टू पॉली। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप इसके अंदर डालोगे एडिटेबल पॉली। अगर आपको सेफ साइड चाहिए, आप एडिटेबल पॉली यूज करो। आपको लगता है नहीं मैं कन्वर्ट करके भी कर सकता हूँ, बाद में मैं एडिटेबल पॉली मॉडिफिकेशन डालूंगा, चलेगा, नो इशू, इससे भी स्टार्ट कर सकते हो एडिटेबल पॉली या फिर कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। मैं फिलहाल कन्वर्ट करता हूँ, और नीचे के पॉलीगॉन्स की जरूरत फिलहाल नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ डिलीट। अपने को चाहिए ओनली सरफेस, डिलीट सेगमेंट दिखना चाहिए, ठीक है। अभी ये जो पोर्शन है, ये एज वाला, ये एज को हम लोग करेंगे लूप, नहीं हो रहा है लूप क्योंकि कनेक्टेड लाइन से, राइट, फिर कंट्रोल से, ये वर्टेक्स को लगभग मुझे ऐसा रखना चाहिए था, बराबर है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो पोर्शन है ना, ये इसको हम लोग ऐसा कुछ बना रहा हूँ। बीच में मुझे लगता है कि ऐसा एक सेगमेंट की जरूरत होनी चाहिए थी, मैंने नहीं लिया। ये जो ऊपर का बार दिख रहा है ना आपको, ये आपका काम का, ये पॉली मॉडलिंग, ये है मॉडिफिकेशन, एडिट, ज्योमेट्री, जो चीजें अपने को यहाँ पे मिल रही थी ना नीचे, कुछ चीजें ऐसे देखो, एक्सट्रूड है, फिर चैम्फर्ड है, वेल्ड, टारगेट वेल्ड, लूप, ऐसे कुछ चीजें बहुत है इसके अंदर, कुछ ज्यादा भी है। जो अभी मुझे एक टूल चाहिए जिसका नाम है, ओके ठीक है, जो कनेक्ट डाल रहे थे हम लोग, डाल रहे थे ना हम लोग, क्या कर रहे थे, ये वाला एज पकड़ के रिंग कर देते, बराबर, और कनेक्ट कर देते। तो इसके अंदर एक टूल है, डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो जो लूप में ना आपको डायरेक्टली एक कनेक्टेड लाइन करके देगा, मतलब जो कनेक्ट से हम लोग एक सेगमेंट ऐड करते थे वैसा करके देगा। वो भी फिलहाल मैं ढूंढ रहा, पर मुझे ये मिल रहा है कहाँ पे गया है, स्प्लिट नाम क्या, हाँ ये है, स्प्लिट
ठीक है, जाने दो, मैं इससे करता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, कनेक्ट लाइन, सॉरी। क्या क्या लूप नहीं, रिंग नहीं हो रहा है। करूंगा ठीक है, चलो मैं, ये भी नहीं हो रहा है, इशू हो रहा है। ओके, मैं क्या करता हूँ, इसको छोटा करके नीचे रखता हूँ, फिर एक्सटेंड कर देते ऊपर। अच्छा, क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा, टूल भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं, जो वर्ल्ड के बाहर गया क्या, नहीं कुछ तो मैंने से गलती हुई है। देखो, हाँ, पॉली कन्वर्ट करने से पहले आप करते तो हो भी सकता था ऐसा। अभी मैंने ना जो पेज ढूंढ रहा था ना, तभी मैंने कहाँ पे तो क्लिक किया और ये स्प्लिट हो गया। हाँ, स्प्लिट किया था मैंने, मैं स्प्लिट के ऊपर क्लिक करके किया था, ये इधर ही उधर मैंने इशू क्रिएट किया है। ठीक है, अभी याद है, मैं स्प्लिट किया ना, तभी वो स्प्लिट हो गया रहेगा, मैंने क्लिक भी किया था। तो मैं फिर ऐसा भी कर सकता हूँ, वर्टेक्स, और ये एरिया मैंने छोटा कर दिया, इसको नीचे लेते हैं, और चाहे तो आप स्केल करो इसको, ओवरऑल पूरा स्केल कर रहा हूँ। देखते हैं रिंग तो बड़े, आप इसको बॉर्डर करके भी सेट कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं। अगेन स्केल, ठीक है, और आगे जाके क्या करना है आपको, ये जो एरिया है ना, जैसे जैसे धीरे धीरे आप इसको बीच में आप करोगे, थोड़ा नजदीक नजदीक करना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा कवर होता है वहां पे, और उधर ही मेन एरिया है। ठीक है, ये वाला एरिया में ज्यादा स्केल कर रहा हूँ, और फ्रंट में ऐसा कर रहा हूँ। अभी ये एरिया है ना, अपने को क्या करना है, सीधा कनेक्ट कर देना, इधर स्ट्रेट बना देने का। ये बहुत नजदीक है, ये डिस्टेंस अपने को थोड़ा मेंटेन रखना पड़ेगा। मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, और यही यही ऑब्जेक्ट अपने को आगे आगे कॉपी करना पड़ेगा। देखते टर्बो स्मूथ में क्या होता है, क्या दिखता है। आपको अच्छा दिख रहा है, सॉरी। ठीक है, ये बेसिक बन गया, एक बेसिक स्ट्रक्चर, और इसके अंदर आप डालोगे चैम्फर बॉक्स, चैम्फर सिलेंडर, सॉरी, और वे सिलेंडर डाल रहा हूँ, सेगमेंट्स और ये सब डालो इसके अंदर, साइज बढ़ाओ, कैप सेगमेंट डालो, सॉरी सॉरी, कैप सेगमेंट नहीं, फिलेट सेगमेंट, ठीक है। ये जो बटन रहते ना, वो अंदर वाला, ऐसा कुछ,
यही पोर्शन को अपने को आगे जाके कॉपी करना पड़ेगा। अभी क्या करना है, ये दो तो अटैच है, अभी इन दोनों को अटैच करना है। जब मैं इन दोनों को अटैच करता हूँ, समझो मैंने यहाँ पे लॉक और ये इसको यहाँ पे राइट क्लिक नम स्ट्रगल, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इशू क्रिएट हो रहा है। क्यों हो रहा होगा, रीजन क्या हो सकता है, थोड़ा स्पेस रखता हूँ, थोड़ा हल्का सा इतना बस हो गया। क्या हो रहा होगा आपको क्या लगता है, ये जो वर्टेक्स है ना, ये वो वेल्ड नहीं थे, जैसे लाइन में हम लोग देख रहे थे वर्टेक्स वेल्ड होने चाहिए, तब जाके ऑब्जेक्ट कंप्लीट होता है, बराबर ना। यहाँ पे भी सेम फंडा होता है, वर्टेक्स वेल्ड नहीं होंगे तो आपको वो वाला इशू देगा जब स्मूथ होगा। मैं बोला था ना कि लाइंस कनेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे को, नहीं तो फट जाता है, वही हो रहा था, वो कनेक्ट नहीं थे एक दूसरे से, तो वो अलग अकेला घूम रहा है इधर उधर, इसके वजह से। क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग को वेल्ड करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली दो ऑप्शन है आपके पास, पास में लेके जाओ और वेल्ड करो, या फिर टारगेट वेल्ड करके ऑप्शन होता है, ये किधर है और दूसरा किधर भी रहेगा, आप उसको वहाँ पे वेल्ड कर सकते हो। मतलब ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, मुझे कनेक्ट करना है इन दोनों को। मैं राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे और बोलूंगा टारगेट वेल्ड, यहाँ पे इसके अंदर भी ऑप्शन है, देखो यहाँ पे ये वेल्ड, ये टारगेट वेल्ड, राइट क्लिक टारगेट वेल्ड, यहां से यहां तक, समझा। इसी को आगे कॉपी 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 वो शेप में आपको फॉर्म लाना पड़ेगा। ये आगे यहाँ पे कॉपी होंगे, लेफ्ट साइड यहाँ पे कॉपी होंगे, ऊपर कॉपी होंगे, और उसके अंदर बाद में ये बटन तो अलग अलग लगेंगे, तो कुछ नहीं कर सकते, वो बना भी सकते हैं वो बटन। फिर वो यहाँ पे जो इसके अंदर है ना, ये आपको इसके अंदर क्या होगा, एनी डाउट, ये समझा नहीं आपको, समझा कौन स्टूडेंट इधर गया यार। आपको समझ